खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड की शुरुआत मैं करूंगा एक सूप से और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा एक पास्ता की डिश और उसके बाद चिकन की। तो आप देखते जाइए किस तरह से पहले सूप बनाते हैं और उसके बाद पास्ता और तीसरी चीज चिकन की डिश। ये जो सूप है बहुत आसान है। आप लोग घर में दाल चावल हमेशा खाते हैं, दाल की बात की है तो दाल से सूप बनाते हैं। देखते हैं लेंटिल सूप। इसके लिए हमें चाहिए एक कप मसूर की दाल, एक प्याज, एक नींबू का रस, 4 से 6 गार्लिक क्लव्स, नमक स्वादानुसार, एक बड़ा चम्मच मक्खन, एक बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। लेंटिल सूप के लिए आप सबसे पहले जो मसूर की दाल है उसको चुन लें। मसूर की दाल जिसका कलर पीला नहीं होता, पीच कलर की ये दाल होती है लेकिन पकने के बाद पीली हो जाती है, उसको आप चुन लें। चुनने का मतलब साफ कर लें, उसके अंदर कोई कंकड़ या पत्थर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लें। और अब एक प्याज को चॉप कर लें आप, प्याज को बारीक चॉप करना है आपने। जब तक ये प्याज हम काटते हैं तब तक थोड़ा तेल आप बर्तन में डाल लें और अब इस गरम तेल के अंदर ये कटा हुआ प्याज डालें। ये जो प्याज है इसको हल्का लाल करना है हमने और अब इसके अंदर डालें ये धुली हुई दाल, मसूर की दाल। दाल को इसके अंदर डाल दें और इसको भी थोड़ा सा भूनना है हमने प्याज के साथ। अब इस दाल के अंदर पानी डालें क्योंकि ये दाल गलनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर खूब सारा पानी डालते हैं। और इसके साथ इसमें डालें नमक। नमक डालने के बाद इस दाल को आप उबलने के लिए रख दें ताकि ये दाल उबले। जब इसमें एक उबाला आ जाए उसके बाद आप इसको ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकने दें। जब ये दाल पूरी तरह से गल जाए, पक जाए, तब ये कुछ ऐसी दिखेगी। देखिए इसका जो रंग है वो चेंज हो गया है। अब इसे हमने मिक्सी के अंदर इसको पीसना है। जब ये पिस जाए तब इसके अंदर हमने और टेस्ट देना है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने सिर्फ नमक डाला है और प्याज डाले हैं, तो इसमें थोड़ा तड़का दिया जाएगा। और इसमें गार्लिक का फ्लेवर देने के लिए आप गार्लिक छील लें और उसको बारीक चॉप कर लें। जब गार्लिक आप चॉप कर लें उसके बाद इसमें तड़का देने के लिए, सूप में थोड़ा फ्लेवर, थोड़ा टेस्ट देने के लिए आप तेल ले लें और इसके साथ इसमें डालें मक्खन, यानी थोड़ा तेल थोड़ा मक्खन। और इसके साथ ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन है वो डालें। इस लहसुन को आपने जलाना नहीं है, यानी इसको लाल नहीं करना है, इसी तरह से लहसुन को रखेंगे लेकिन इसको हल्का सा भूनना है। और इसके साथ इसमें जीरा पाउडर, आप जीरे का पाउडर लेकर उसको इसके अंदर डालें ताकि वो भी थोड़ा भुन जाए। यदि आप भुना हुआ जीरा ले रहे हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें जीरा पाउडर लें और इस मक्खन और तेल के मिक्सचर में थोड़ा सा जीरा पाउडर को भी भून लें। और इसके बाद इसमें जो पीसी हुई दाल है, जो दाल हमने पीसी है पका कर उबाल कर, उसको इसमें डालेंगे। दाल पकते समय हमने इसके अंदर नमक डाला था लेकिन अब पानी डालने के बाद आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेक कर लें और साथ में जो टेस्ट है उसको भी, यानी इसके अंदर जो नमक है उसको टेस्ट कर लें। यदि आपको लगे कि इसके अंदर नमक और डालना है तो इसके अंदर नमक और डालें। और इसके अंदर डालें काली मिर्च, काली मिर्च को पीस कर इसके अंदर डालें। काली मिर्च एकदम फ्रेश पिसनी चाहिए। इसको मिक्स कर दें। और इसमें थोड़ा और मजा देने के लिए, और टेस्ट देने के लिए इसके अंदर डालें नींबू का रस। जब ये सूप गाढ़ा हो जाए, जब इसके अंदर सारा टेस्ट आ जाए,
तब इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। इसको चावल के साथ सर्व करने की जरूरत नहीं है, यानी चावल के साथ खाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही पिया या खाया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, जब भी लोग सूप पीते हैं तो सूप पीने से पहले ही उसमें नमक और काली मिर्च, खूब सारी चीजें उसमें पहले ही डाल देते हैं। कोई भी सूप कहीं भी आप पिए, चाहे घर में हो, होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, पहले उसको चख के देखें और उसके बाद बाकी चीजें यदि जरूरत हो तब डालें। लेंटिल सूप के लिए हमें चाहिए 1 कप मसूर की दाल, 1 प्याज, 1 नींबू का रस, 4 से 6 गार्लिक क्लव्स, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। लेंटिल सूप के लिए सबसे पहले प्याज को हल्का सा भून लें, उसके बाद भीगी हुई मसूर की दाल में पानी डालकर उसमें नमक डालें और इसको उबाल लें। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी के अंदर पीस लें और इसके बाद एक बर्तन में मक्खन और तेल लेकर उसमें थोड़ा सा लहसुन भूनें और उसके साथ उसके अंदर डालें जीरा पाउडर। इसके बाद इसमें पिसी हुई दाल डालें, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालकर इसको उबाला आने दें और इसमें नींबू का रस डालकर सर्व करें। लेंटिल सूप के बाद अब मैं आपको एक पालक से बनी हुई डिश बताऊंगा। पालक इसलिए क्योंकि पालक मुझे बहुत पसंद है। पालक मैं इतना खाता हूँ कि पालक यदि मुझे दिन में 4 या 5 बार भी मिले तब भी मैं खा सकता हूँ। अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट में भी पालक खाऊं, लंच में भी पालक खाऊं, डिनर में भी पालक खाऊं। खैर, पालक है ही इतनी अच्छी चीज, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम देखते हैं कैनेलोनी फ्लोरेंटीन। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3 कप दूध, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 400 ग्राम पालक और 1/2 कप ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज। कैनेलोनी है तो एक पास्ता और हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है, लेकिन कैनेलोनी ट्यूब्स जो पास्ता है वो हिंदुस्तान में आम तौर से नहीं बनता। यानी कि आपने खाना है अगर कैनेलोनी तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ये पास्ता, लेकिन वो ट्यूब्स बनाना इतना आसान नहीं होता। तो इसको हम पहले पैनकेक बना के उससे बनाते हैं कैनेलोनी। तो देखते हैं कि किस तरह से इसका पैनकेक बनाया जाता है। जो नॉर्मल पैनकेक रहता है उसी के तरह से मैदे और दूध और थोड़ा तेल लेकर इसका पैनकेक बनाया जाता है। यदि आप चाहें तो इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे लोग अंडा नहीं खाते, इसलिए आप इसको बगैर अंडे के भी बना सकते हैं। आप मैदा ले लें, मैदे में नमक और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और इसके बाद इसमें दूध मिलाकर इसको अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार कर लें। इसको इस तरह से मिलाएं ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं पड़े, गांठें नहीं पड़े। इसको आप थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिक्स कर लें। यदि आपके बैटर में लम्प्स आ जाए तो आप उसको छान सकते हैं ताकि इसके अंदर लम्प्स नहीं रहे। अब इसके बाद इसको हम बनाएंगे पैनकेक के रूप में। पैनकेक बनाने के लिए आप नॉनस्टिक फ्राई पैन ले लें और उसको हल्का सा गर्म कर दें और उसके बाद एक करछी से इस तरह से ये बैटर डालें। इस बैटर को इस तरह से डालें और फैला लें इसको पैन में चारों तरफ से। इस तरह से घुमा के आप पूरा फैला लें और अब इसको आप पकाएं। इसको आपने तेज आंच पर नहीं पकाना है, मीडियम आंच में पकाना है। और यदि आपका फ्राई पैन अच्छा है यानी नॉनस्टिक है तो ये अपने आप निकलेगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा आप देखेंगे किनारे से अपने आप छूटने लग जाएगा और उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। इसको हमने एक ही तरफ से पकाना है, दोनों तरफ से नहीं पकाना। इसे हमने किसी भी तरफ से रंग नहीं देना, यानी ना इसके निचली तरफ, ऊपरी साइड में तो हम कोई गर्मी लगा ही नहीं रहे हैं तो कलर नहीं आएगा। ये देखिए दूसरी तरफ भी इसके कोई रंग नहीं है। अब ये जो पैनकेक है ये तैयार हो गया है, इसको अब हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप निकालें। अब जो पालक है जिसे हमने पकाया है, चॉप किया है, उसको तैयार कर लेते हैं। उसको थोड़ा सौते करेंगे हम। उसके लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन लेंगे हम। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन
यानी इसके अंदर जो गार्लिक है उसको बारीक चॉप करके आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर गार्लिक की पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा भूनना है हमने, और थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये पालक, जिसको पहले हमने ब्लांच किया है, थोड़ा सा पकाया है और उसके बाद चॉप किया है, और इसके साथ इसमें डालें नमक। नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम गार्लिक के साथ इसको पकाना है हमने। जब तक ये पालक पकता है तब तक इस डिश के लिए हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। व्हाइट सॉस बनानी है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट सॉस के लिए आप मक्खन ले लें, जब मक्खन मेल्ट हो जाए, जब वो पिघल जाए, तब जितना हमने मक्खन लिया है उतना ही मैदा इसके अंदर डालें, और इस मैदे को हमने भूनना है इसके साथ, और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालें आप। जब पहले दूध थोड़ा मिक्स हो जाए तब इसमें बाकी दूध डालें, आप साथ साथ चलाते रहें। इस सॉस को सीजन करना है हमने, इसमें नमक डालें, और यदि आप चाहें तो इसके अंदर चीज भी डाल सकते हैं, ग्रेट किया हुआ थोड़ा चीज इसके अंदर डाल दें, ताकि जो सॉस है उसके अंदर चीज का टेस्ट आ जाए। सॉस में चीज मिक्स कर लें। आप ये पैनकेक ले लें, और इसके बाद ये जो पालक है उसको इस तरह से रखें, और अब इस तरह से यहां से फोल्ड कर दें, दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दें आप, और इसे अब रोल कर दें। अब इसके बाद ये जो हमने कैनेलोनी तैयार की है इसको रखेंगे इस प्लेट के अंदर, इस डिश के अंदर, और अब जो आपने सॉस तैयार की है, जो व्हाइट सॉस बनाई है, उसको इसके ऊपर डालें, और इसके बाद इसके ऊपर आप डालें ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसके ऊपर डालें। इसके बाद इसको हम ओवन के अंदर बेक करेंगे। आपका ओवन जितना गर्म होता हो, गर्मा गर्म कर लें ओवन को, प्री हीट कर लें, और उसके बाद इसको आप ओवन के अंदर डालें, और इसको करीब 8 से 10 मिनट तक ओवन में रहने दें। आप देखेंगे इतने टाइम में जो चीज है वो एकदम मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा उस पर रंग भी आने लगेगा। अगर 8 से 10 से ज्यादा मिनट लगते हैं तो भी उसको रहने दें, और यदि आपका ओवन बहुत ज्यादा गर्म है और 4 से 5 मिनट में भी हो जाता है तब भी आप उसको उस समय निकाल दें। ऐसा नहीं हो कि जो चीज है एकदम लाल होके काला हो जाए, फिर मजा नहीं आएगा कैनेलोनी फ्लोरेंटीन का। कैनेलोनी फ्लोरेंटीन के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3 कप दूध, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 400 ग्राम पालक और 1/2 कप ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज। सबसे पहले पैनकेक बनाने के लिए मैदा, नमक, तेल और दूध डालकर बैटर तैयार कर लें। अब इस बैटर से नॉनस्टिक पैन के ऊपर पैनकेक बना लें, और मक्खन के साथ कटे हुए लहसुन डालकर, इसमें पिसी हुई पालक डालकर इसे सीजन करें और थोड़ा सा सौते कर लें। अब सॉस बनाने के लिए मक्खन में मैदा थोड़ा सा भूनें, दूध के साथ सॉस तैयार करें, इसे सीजन करें, इसमें चीज डालकर घोल लें। पैनकेक को पालक के साथ स्टफ करें और चीज सॉस ऊपर से डालकर, चीज डालकर इसको ओवन के अंदर बेक करें। कैनेलोनी फ्लोरेंटीन के बाद अब मैं आपको एक चिकन की डिश बताऊंगा। चिकन की इसलिए क्योंकि रेड मीट तो आजकल लोग खाते नहीं है, तो चिकन जो व्हाइट मीट है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और यदि उसको मशरूम के साथ बनाया जाए, टोमेटो सॉस में बनाया जाए, तो और भी टेस्टी होता है, और भी डिलीशियस होता है, खाने में मजा आता है। तो देखते हैं चिकन विद मशरूम्स इन टोमेटो सॉस। इसके लिए हमें चाहिए 800 ग्राम चिकन, 100 ग्राम मशरूम, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 1/2 कप टोमेटो प्यूरे, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच मैदा, नमक स्वादानुसार,
एक बड़ा चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच मक्खन और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। इस डिश के लिए आप ब्रॉयलर चिकन ले लें और उस चिकन को 8 टुकड़ों में काट लें, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं चाहिए। और जो चिकन है वो भी 800 ग्राम का चिकन होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसकी स्किन निकाली है। यदि आप इसको बोनलेस चिकन से बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, इसमें स्किन नहीं हमने रखनी है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा मैदा लगाएंगे, जो चिकन के पीसेज हैं। तो एक प्लेट में आप मैदा ले लें और इसके साथ इसमें मिलाएं नमक और पेपर पाउडर, यानी ये जो मैदा है इसको सीजन कर लें। इसमें नमक और पेपर मिलाकर इसे मिला लेते हैं हम, और ये जो चिकन के पीसेज हैं इसको इस तरह से इसमें लगाएं, ये चिकन के पीसेस को। बाकी के जितने पीसेस हैं उसको भी इस तरह से रोल कर लें इस सूखे मैदे में जिसमें नमक और काली मिर्च डली हुई है। तब तक एक पैन में हम तेल डाल लेते हैं, थोड़ा इस तेल में मक्खन डाल देते हैं। यदि पैन ज्यादा गर्म हो तो उसको हटा लें, नहीं तो जो मक्खन है वो जल जाएगा। अब ये चिकन के पीसेस को आप इसमें रखें इस तरह से। इसको हमने सौते करना है, इसको आप पलट लें, ये जो चिकन के पीसेस हैं इन सब को आप पलट लें ताकि दूसरी तरफ भी ऐसा सुनहरा रंग आ जाए। अब ये जो चिकन है इसको आप इस बर्तन में से निकाल लें और इसको अलग निकाल के रख लें। ये चिकन के पीसेस को हम बाद में सॉस में डालेंगे, अभी सिर्फ सौते किया है हमने इसे। अभी इसके अंदर ही आप देख रहे हैं थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, उसमें थोड़ा सा तेल और मक्खन डालकर अब हम बाकी कुकिंग तैयार करेंगे, यानी इसकी जो सॉस है उसको बनाएंगे। इसकी सॉस के लिए सबसे पहले आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ गार्लिक, और इसके बाद इसमें डालें मशरूम। ये मशरूम को भी सौते करना है हमने। मशरूम को जब आप भूनें उसके साथ इसमें एक चम्मच मैदा भी डालें, क्योंकि ये जो सॉस है उसमें मैदा थोड़ा थिकनिंग एजेंट का काम करेगा, यानी सॉस को थोड़ा गाढ़ा करेगा और साथ में एक सार बना के रखेगा। जब मैदे में से उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए और मशरूम थोड़े सौते हो जाएं, तब इसके अंदर हम बाकी चीजें डालेंगे, प्याज। जब प्याज भी थोड़ा सौते हो जाए तब इसके अंदर डालें ये टमाटर जिसे हमने काटा है, इसका छिलका निकला हुआ है, इसका बीज भी निकला हुआ है। टमाटर इसके अंदर डाल दें और इस टमाटर को पकाना है हमने मशरूम के साथ। अभी हमने इसमें टमाटर तो डाले हैं लेकिन इसका जो कलर है वो एकदम लाल नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हमने थोड़े से टमाटर डाले हैं, सिर्फ 2 टमाटर डाले हैं जिसे काटा है। अब डालेंगे इसके अंदर हम टोमेटो प्यूरे, जिसकी वजह से इसमें जरा गाढ़ा लाल रंग आएगा। और अब हम इसे सीजन करेंगे, यानी इसमें डालेंगे नमक और पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मिक्स कर लें इसको और अब इसके अंदर डालें ये जो चिकन जिसे हमने सॉटे किया था, उसको इसके अंदर डाल दें और उसके साथ इसमें डालें पानी या स्टॉक। ये डालने के बाद इसे हम पकने देंगे। जब ये चिकन धीमी आंच पर पक जाए और तकरीबन रेडी हो जाए, यानी कि बिल्कुल पकने में जब थोड़ी सी कसर रह जाए, तब इसके अंदर हम डालेंगे ये कैप्सिकम, यानी जो शिमला मिर्च है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ताकि इसका जो रंग है वो एकदम नहीं चला जाए। लेकिन कैप्सिकम डालने के बाद इसको थोड़ा पकाना ज़रूर है, नहीं तो जो कैप्सिकम है वो एकदम मुंह में आएगी। आप इसके बाद
इस सॉस में इस कैप्सिकम को करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर एक बार फिर पकने दें, और उसके बाद आप देखेंगे जो डिश तैयार होगी ना सिर्फ उसमें टमाटो का टेस्ट होगा बल्कि मशरूम्स, अनियन, कैप्सिकम, इन सब चीजों का। अगर आपको इसको थोड़ा और एग्जॉटिक बनाना है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी वाइन भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी रेड वाइन इसके अंदर डाल के देखिए और फिर देखिए कितना बढ़िया टेस्ट है इस डिश का। चिकन विद मशरूम्स के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम चिकन, 100 ग्राम मशरूम, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 1/2 कप टोमेटो प्यूरे, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच मैदा, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच मक्खन और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। इसके लिए सबसे पहले मैदे को सीजन कर लें। इसके अंदर चिकन के पीसेस को रोल करें। एक बर्तन में तेल और मक्खन लेकर चिकन के पीसेस को भून लें जब तक इसमें थोड़ा कलर ना आ जाए। अब इसके बाद थोड़ा सा तेल और मक्खन लेकर इसमें गार्लिक मशरूम और मैदा लेकर भून लें। इसमें टमाटर, प्याज, टमाटो प्यूरे, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर डालकर इसको कुछ देर तक पकने दें। अब इसके अंदर सौते के हुए चिकन पीसेस और पानी डालकर इसको पकने दें। चिकन जब पक जाए तब इसके अंदर कटी हुई कैप्सिकम को डालकर इसको पकाकर गर्मा गर्म सर्व करें।